डॉक्टर टीचर मुस्तफ़ा कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। आज का हमारा जो लेसन है वो है मूड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशन मार्क्स। मूड्स ऑफ सेंटेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमारे पास जब हम लिखते हैं या हमारे पास नरेक्शन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब आते हैं, तो अगर हमें पता हो इसके बारे में, मूड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो हम इजीली जो है ना वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा हासिल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी सीखे हैं जिसे पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स तीन हम इसके साथ सीखे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, पीरियड यानी फुल स्टॉप, और साइन ऑफ इंटरोगेशन आप या कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है मूड्स ऑफ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कितने मूड होते हैं। और इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि आपको हर जो कॉलम है वो आपको डिफरेंट चीज के बारे में बताएगी। सबसे पहले मूड के बारे में बताएगा ये कॉलम कि कौन सा मूड है, उसके इंडिकेटर क्या है, यानी कौन सी चीजें आ जाए सेंटेंस में जो आपको बताएंगी कि ये कौन सा मूड है। और तीसरी चीज़ है कि एग्जाम्पल्स से हम देखेंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, सेंटेंस को एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जो चौथी चीज़ है इस चार्ट में हमारे पास वो है पंक्चुएशन मार्क कौन सा है। पंक्चुएशन मार्क कौन सा है ये, तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि हम तीन इसमें सीखेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमारे पास जो मूड है वो है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कौन से, इसको हम इंडिकेटिव या आप इसको इंडिकेटिव भी कह सकते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसमें जो इंडिकेटर है यानी जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट होगा तो हम कहेंगे कि क्या है जी, असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंडिकेटिव सेंटेंस है। यानी किसी भी सेंटेंस में आप बोल एक बात कर देते हैं जो कि ना खुशी की बात हो, ना गमी की हो, ना उसमें कोई हैरानी की कोई बात हो, या वो ना कोई सवाल हो, ना कोई दुआ हो, तो आपने क्या कर देना, ये स्टेटमेंट होती है। मिसाल में दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो मैं इसके साथ में कह दूं आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम खत्म किया, ही गोस टू स्कूल, he goes to school, they are playing cricket, अब आप देखेंगे इसके एंड पे, इन सेंटेंस के एंड पे मैंने कोई जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो नहीं लगाया, क्योंकि एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास असर्टिव सेंटेंस आ जाए यानी स्टेटमेंट आ जाए, आपने उसके एंड पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं जी फुल स्टॉप। दूसरा जो मूड हमारे पास आता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन सी हैं, हम कहते हैं जिन सेंटेंसेस में जॉय की बात हो, जहां पे सॉरो हो, वंडर हो, या हमारे पास एम्फेसिस हो, किसी बात पर जोर दिया गया हो, तो हम कहते हैं ये कौन से सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी एग्जांपल हम कहते हैं वी हैव won the title,
अभी क्या है जी, वी हैव वन द टाइटल, हम में हम टाइटल जीत चुके हैं, तो इट मींस कि ये एक हमारे पास एक खुशी का इजहार है। लेकिन नो दे हैव लॉस्ट द मैच, दे हैव लॉस्ट द मैच, मैं कहता हूँ वांटर की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, या कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ऐसे से कहते हैं, मैं कहता हूँ सिट डाउन, क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, आप कहते हैं सिट डाउन, ये सिर्फ आप जोर दे रहे एक बात पे, ये सिट डाउन। अब इन सेंटेंस को अगर आप देखें तो इन खुशी का इजहार किया गया, हमी का, हैरत का, यहां भी हैरत का इजहार किया गया और यहां पे जोर दिया गया एक बात पे। जब ये किसी भी सेंटेंस में ये काम हो रहे हो तो आप ये समझें कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसके एंड पे जो पंक्चुएशन मार्क आएगा वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी इन सब के एंड पे जो साइन आएगा पंक्चुएशन का वो आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तीसरी जो हमारे पास मोड ऑफ सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, जिसे हम कहते हैं दुआया जुमले, उर्दू में हम कहते हैं दुआया जुमले। इसके इंडिकेटर्स कौन से हैं जी, इंडिकेटर में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं किसी के लिए विश करना, प्रेयर यानी दुआ करना, कर्स यानी किसी के लिए बद्दुआ करना, और जो ग्रीटिंग्स यानी आप हम मिलते हैं तो हम कहते हैं ग्रीटिंग्स, यानी एक दूसरे को सुबह बखेर शाम बखेर कहते हैं, तो ये ग्रीटिंग्स होती हैं। और इन ये हम कहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं। इसकी एग्जांपल में देता हूँ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो, मैं कहता हूँ विश, मे यू गेट गुड ग्रेड इन एग्जाम, या मैं किसी को बतवा देता हूँ, मैं कहता हूँ गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, किसी में तो मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अली, गुड मॉर्निंग अली, तो मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जब भी आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें या तो विश होगा, या दुआ होगी, या बददुआ होगी, या ग्रीटिंग्स होगी। इसके लिए पंक्चुएशन मार्क हम यूज करते हैं वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसके लिए भी जो इसके लिए जो हम साइन ऑफ पंक्चुएशन यूज करते हैं वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन सब के साथ आप लगा दें एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो चौथी हमारे पास मूड ऑफ सेंटेंस आती है वो आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, जहां पे आप कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, जहां पे एडवाइस हो, एडवाइस, तो वहां पे हम कहते हैं कि ये क्या है जी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो मैं कहता हूं कमांड, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्या कहते हैं आप कहते हैं
help me in this matter. मीन्स कि यहाँ पे क्या, ये क्या है जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या आप किसी को ये तो हमारे पास कमांड या ऑर्डर में आ जाता है, डू इट, ये क्या है जी, ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो पंक्चुएशन मार्क हमारे पास आएगा वो होगा फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप आप लगा दें सबके एंड पे। और जो हमारे पास लास्ट मोड ऑफ सेंटेंसेस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, जब हमसे कोई तफ्तीश हो रही होती है या आपसे किसी किसी के बारे में पूछ रहा होता है तो हम कहते हैं आस्क या इंक्वायर किया जा रहा हो किसी सेंटेंस में, तो हम कहते हैं ये क्या है जी, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस WH फॉर्म से शुरू हो या हमारे पास किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं कहता हूं व्हाट इज द टाइम, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। मैं कहता हूं हाउ आर यू, या इंडियन पायलट वगैरह भी याद रखें तो हाउ वाज द टी वाज फैंटास्टिक, सो हाउ वाज द टी एंड हाउ आर यू, इज ही प्लेइंग क्रिकेट एंड व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ऑल दीज आर सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दीज आर फाइव मूड्स। आपको अगर फाइव मूड्स याद रखने हैं तो एक चीज याद रखें, ये फार्मूला जो मैंने आपके लिए लिखा है, जो मैंने स्टार्ट में कहा आपको एंड पे सरप्राइज मिलेगा, वो ये है कि इस फार्मूले को याद रखें, ए ई ओ आई आई, यानी असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको याद करने के लिए आपको आसान सा फार्मूला ये है कि आप वॉवल को याद करें, फाइव वॉवल जो है ए ई आई ओ यू, उसमें से यू को एक्सक्लूड करके आई को इंक्लूड कर दें तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने मूड्स तो पढ़े, इसके साथ साथ आपने 17 ऐसे डिफरेंट सेंटेंसेस पढ़े जिसमें आपको पता चला कि इसके मूड्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं। इट डजंट मीन कि यही 17 आएंगे, यानी आप जॉय के बारे में, सौरभ के बारे में जितने भी सेंटेंसेस आए उसमें आपको पता होना चाहिए इसका मूड क्या है और इसके साथ कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगना चाहिए। ये जो मोड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये जो टेबल में आपकी आसानी के लिए बनाया गया है, इस पे ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो मोड्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये आपको जो नरेशन है, चेंज इन द नरेशन, उसमें भी हेल्प करती हैं। इसके साथ आपके पास अगर ये रिपोर्ट स्क्रीन में अगर आ जाए वी हैव वन द टाइटल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका मूड एक्सक्लेमेटरी है, और फिर आप उसको चेंज कर दें, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो आपको अगर ये मूड्स पता हो तो आप आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो और चैनल को शेयर करें, और इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जब हाजिर होंगे तो किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसी तरह आपके लिए सिंपल करके बताएंगे। तो उस तक हमें दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।